हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्लास फोर हिंदी चैप्टर फाइव, दोस्त की पोशाक एंड नजरुद्दीन का निशाना, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन एंड न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स इन इंग्लिश। ई चैप्टर फाइव, दोस्त की पोशाक। दोस्त मीनिंग इज फ्रेंड, पोशाक मीनिंग इज कॉस्ट्यूम और ड्रेस। एक बार नजरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहेब से मिला। Once Nazruddin met his very old friend Jamal Sahib. अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। He was very happy to meet his old friend. कुछ देर गपचाप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। After making conversation with him, he said, come on friend, let's go around the neighborhood streets. Here mohalle meaning is स्ट्रीट, घूम मीनिंग रोम। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। जमाल साहब रेफ्यूज टू गो एंड सेड, विद दिस ऑर्डनरी कॉस्ट्यूम आई कांट मीट पीपल। हियर मामूली इस ऑर्डनरी, मना कर दिया मीनिंग रेफ्यूज। नजरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नजरुद्दीन सेड, जस्ट सच अ थिंग। नजरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक बटकीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे रहोगे, सब देखते रह जाएंगे। नजरुद्दीन इमीडिएटली ब्रॉट आउट वन ऑफ हिज शाइनिंग लॉन्ग ड्रेस एंड सेड, वेयर इट, यू विल लुक वेरी गुड इन दिस, with this dress we can see everyone. Bantan kar dono ghumne nikle. After dressing up they went out. Dost ko lekar Nazruddin padosi ke ghar gaye. Nazruddin went to a neighbor's house with his friend. नजरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है, वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी हैं वह मेरी है। नजरुद्दीन टोल्ड हिज नेबर, ही इज़ माई वेरी स्पेशल फ्रेंड जमाल साहेब, टुडे आई मेट हिम आफ्टर many years, by the way the dress he is wearing is mine. Here mulaqat meaning is meeting, kai salo meaning is many years. Yah sunkar Jamal sahib par to mano gado pani pad le gaya. So hearing this Jamal sahib was ashamed. Bahar nikalte hi mukh banakar unhone Nazruddin se kaha, तुम्हारी कैसे अकल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं। सो आफ्टर कमिंग आउट नजरुद्दीन सेड, डू यू हैव एनी फॉल्ट, इज इट नेसेसरी टू टेल दैट दिस ड्रेस इज योर्स? Your neighbor must be thinking that I don't even have any clothes. Nazruddin ne maafi mangte hue kaha, galti ho gayi, ab aisa nahi kahunga. Nazruddin apologized and said, I made a mistake, hereafter I won't say like this. Ab Nazruddin unhe हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। नाउ नजरुद्दीन टुक हिम टू हुसैन साहब। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। हुसैन साहब वार्मली वेलकम्ड। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नजरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहने हैं वह इनकी अपनी है। सो जमाल साहब व्हेन आस्क्ड अबाउट
Jamal Sahib, Nazruddin said, Jamal Sahib is my old friend and the dress he is wearing is his own dress. Jamal Sahib फिर नाराज हो गए. Jamal Sahib बेहद very angry. बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे. So after coming out he said, who told you to lie? झूठ meaning is lie. क्यों नजरुद्दीन ने कहा. Why नजरुद्दीन said, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा. As you wished, I told. पोशा की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या. So he saying that, why can't you be quiet without saying about the dress? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है. So it's better not to say anything about this. Jamal Sahib ने समझाया. So Jamal Sahib explained. Jamal Sahib को लेकर नजरुद्दीन आगे बढ़े. नजरुद्दीन went ahead of Jamal Sahib. तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए. After they met another neighbor, नजरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया. So नजरुद्दीन introduces जमाल साहब and said, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ. यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है. I'm going to introduce my old friend. It is good to be silent rather than talking about his dress. Next we are going to see Nazruddin ka nishana. Nishana meaning is aim or target. Ek din Nazruddin apne doston ke saath baithe batiya rahe the. One day Nazruddin was chatting with his friends. Baat hi baat mein unhone gap marna shuru kar diya. So he was having conversation with them. That time he started to boasting himself. Teerandaji mein mera mukabla koi nahi kar sakta. So he says, no one can compete my skill in archery. Here teerandaji meaning is archery, batiya meaning is chatting, mukabla meaning is compete. Main dhanush kasta hu, dhanush bow. So I string the bow, निशाना साधता हूँ, शूट एन आरो और तीर जोड़ता हूँ. सो टेक एन एम एंड शूट एन आरो. तीर सीधे निशाने पर लगता है. सो आई एम श्योर आई विल माय आरो विल हिट द टारगेट. सीधे मीनिंग इज डायरेक्टली. दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ. सो हियरिंग दिस हिज फ्रेंड्स डिड नॉट बिलीविंग. उन्होंने नजरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया. सो दे ऑल डिसाइडेड टू टेस्ट नजरुद्दीन. एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया. सो वन ऑफ हिज फ्रेंड went and immediately brought a bow and some arrows. Nazruddin ko tamate huye usne kaha, e lo teer dhanush aur ab sadho apna nishane us lakshya par. Dekhte hain ki tum sach bol rahe ho ya jhoot. So he gave, after giving them to Nazruddin, he said, here are bow and arrows, point towards your target. So we'll see whether you are saying truth or lie. Such is truth, jhoot is lie. Nazruddin funs gaye. Unhone dhanush apne haathon mein utaya, doors khinchi, nishana saada aur chod diya teer ko. Nazruddin got trapped. He held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shot an arrow.
Here, door meaning is string, kinji meaning is pulling, funds meaning is trap, chod meaning is release. Tir nishane par nahi laga, the arrow didn't hit the target. Balki vah to beech mein hi kahi gir gaya, instead it fell somewhere in the middle. Ha ha ha, sabhi dost hansne lage, his friends started laughing. क्या यही तुम्हारो बेहतरीन निशाना था, उन्होंने कहा. दे सेड, इज दिस योर बेस्ट एम. नहीं नहीं हार्किज नहीं, ही सेड एब्सोल्युटली नॉट. यह तो कांजी का निशाना था, ही सेड दिस वॉज नॉट माई एम, दिस इज My friend Kaji's aim. मैं तो तुम्हें देखा रहा कि काजी कैसा निशाना लगता है. I just showed you how my friend shoots an arrow. इतना कहते हुए नजरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, टोर कींजी निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया. After saying all this, Nazruddin once again took the bow, aimed the target and shot the arrow. इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया. This time the arrow fell a little further than where it had fallen before. दोस्त ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नजारुद्दीन. सो हिज फ्रेंड्स आस्क्ड, सो इज दिस योर टारगेट. बिल्कुल नहीं, ही सेड सर्टनली इट इज नॉट. नजरुद्दीन ने कहा, यह मेरा है सेनाधिपति का निशाना था. ही सेड This is even this aim was not mine. It was my commander's aim. एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अलगा कौन है. So now somebody asked, well now who is next on the list? Suchi meaning is list. इतना सुनते ही सबने जमकर टहराका लगाया. आफ्टर सेइंग ऑल दिस, ऑल द फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग. नजरुद्दीन खामोश रहा, उसने चुपचाप एक और तीर उठाया. नजरुद्दीन डिडंट से एनी वर्ड, ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो. नजरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया. And again he took the arrow. इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया. सभी आश्चर्य से नजरुद्दीन की और मुख बाएं ताकने लगे. इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नजरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने यह था मेरा निशाना. So and again This time, his arrow hit the target and he told everyone. So everyone, what everyone did is, everyone started stared at Nazruddin and they surprisedly watched Nazruddin with their mouths open. Before anyone could say anything, Nazruddin said, In winner's tale, Vijeta Andaj meaning is winner's tale. He said that, did you see that? It was my aim. First, we are going to see Dost Ki Poshak, new words and meanings. Gapchap, gossip, Mohalle, streets, Mamuli, ordinary,
तुरंत, इमीडिएटली, बटकीली, ग्लिटरिंग और शाइनिंग, अचकन, लॉन्ग ड्रेस, खूब, वेरी, घूमने, रोम, खास, स्पेशल, मुलाकात, मीट, अकल, फॉल्ट, पड़ोसी, नेबर, माफ़ी मांगते, अपोलोजाइज, गलती, रॉन्ग, गर्मजोशी, वार्म, स्वागत, वेलकम, नाराज, एंग्री, झूठ, लाई, परीक्षा, इंट्रोड्यूस, चुप, स्माइल। नेक्स्ट नजरुद्दीन का निशाना, न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स। बतिया, चैटिंग, तीरंदाजी, आर्चरी, मुकाबला, कंपटीशन, धनुष, बो, सीधे, डायरेक्टली, फाइंसला, डिसीशन, तीर धनुष, बो एंड एरो, तमाते, हैंडओवर, लक्ष्य, एम, फंड्स, स्टक, छोड़, लीव, बेहतरीन, द बेस्ट, हरगिज, अब्सोल्युटली, दोबारा, अगेन, सूची, लिस्ट, विजेता, विनर। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस एंड देन एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।